स्टेशन, यहाँ उत्तराखंड में इसी तरीके की कुछ रेलवे स्टेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आपको जो पीछे नजारा दिख रहा है, हम लोग कोटद्वार में बेसिकली हैं अभी, जो कि उत्तराखंड में है। फाइनली कहाँ जाने वाले मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको ऊंची ऊंची जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही है ना, हमारा इसके बीच में ही कहीं पे यार घर होने वाला है, मतलब हम लोग कहीं पे रहने वाले हैं। और अभी देखो यहाँ पे वेदर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो गया है, ऊपर में आसमान पे अगर आप देखोगे जो पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है वाले, जहाँ से हम लोगों को हिमालयन रेंजेस भी देखने को मिलेगा, है ना। और बाकी आपको मैं एक बारी राउंड करके दिखा रहा हूँ, ये देख लो, देखते हैं। लोग पीछे भी है, क्या ही सीन है। अंदर अभी हम लोग जाएंगे यार, हम लोगों की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है ना, सो लेट्स गो, चेक इन वगैरह करते हैं, थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा हमें, है ना, उसके बाद फिर मिलते हैं। एंड हमने दो रूम अटैच लिया है ना, ये हमारा रहा पहला, यहाँ पे टीवी वगैरह सारी चीजें हैं, फिर एक छोटा सा गार्डन कह सकते हैं, ये रहा हमारा गार्डन, और फिर अटैच रूम है, तो इस रूम में भी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और कहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी और कहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा, कुछ ऐसा ही सीन है ना। तो हम लोग यार अभी यहाँ पे एक रिवर साइड है ना, रिवर साइड के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं, ठीक है। और अभी देख रहे हो एरिया, मतलब गजब का ही एरिया है ना। और मैं लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ही वीडियो के ऊपर से फोकस किया तो मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा नीचे है, शायद आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दो किलोमीटर कह रहे हैं कि ये लोग नीचे हैं, कि बस ऊपर ठीक ठाक सलामत आ जाए हम लोग कुछ एडवेंचर के चक्कर में कुछ हमारे साथ एडवेंचर ना हो जाए। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ पीछे, है ना, ये देखिए पानी दिख रहा है ना आपको, वहां ही हम लोगों को जाना है एक्चुअली। एंड ऊपर से कितने ऊपर से हम लोग आए हैं, देखो ऊपर आपको पेड़ वेड़ दिख रहा होगा, ये देखो है। और ये रहा आपका नदी, पार्ट मस्ट विजिट दिस प्लेस, एक बार ही आए हैं ना। सुबह का तकरीबन 8 बज रहे हैं, एंड हम लोग अभी रामपुर विलेज में हैं। पहाड़ों में यार जिस तरीके से बोला जाता है कि सर्दियां बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियां वाकई में बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, हल्का हल्का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, ये फॉग टाइप का दिख रहा होगा। हम लोग अभी ऋषिकेश की ओर निकलते हैं, लेट्स सी फिर कैसा हम लोगों का जर्नी रहता है, मिलते हैं। तो हम लोग यार अभी निकल चुके थे ऋषिकेश हरिद्वार के लिए, है ना, और मैं अभी स्टेशन पे ही हूँ, बस स्टैंड पे हूँ एक्चुअली। और बस स्टैंड पे आए थे कि कोई बस मिल जाए, कोई ट्रेवल्स मिल जाए, या फिर कुछ लोग ने यार अभी कार बुक कर लिया है, ये रहे हमारे भैया, ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी निकलने वाले हैं, है ना, सो लेट्स मीट एट हरिद्वार ऋषिकेश।
फेस पे हमारी लैंडिंग हो चुकी है। बड़ा ही शानदार लोकेशन है यार, है ना। एंड टेल मी कि मेरे ग्लासेस आपको कैसे लगे? से मैंने अभी लेटेस्ट मंगाया था, है ना। सो लक्ष्मण झूला की तरफ हम लोग जा रहे हैं यार। जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ पे बहुत ही ठंड थी, बट यहाँ पे यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लेट्स सी कि अब और कैसा माहौल बनता है। रियली अनफॉर्चुनेट यार, ये तो बंद हो चुकी है। हाँ, और शीशे की ब्रिज बन रही है, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे नीचे राफ्टिंग झूल। बड़ा ही शानदार जगह है यार, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो लक्ष्मण झूला देख ना पाएंगे। ये देखिए, ये तो मैं नीचे आ गया हूँ यार, है ना। यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी नदी वगैरह दिख रही होगी। एंड ये सारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह भी हैं। एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये रहा हमारा लक्ष्मण झूला, ये किस तरीके से दिख रहा है। मैं स्लोमो में भी दिखाऊंगा एक बारी, आप लोग एक बारी धीरे से देख लो। ये रहा, ऑफ करते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग राम झूला जाएंगे अभी, है ना। तो कुछ ही देर में हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। फिलहाल नजारा लीजिए, अभी हम लोग पहुंचे हैं राम झूला। तो ये पीछे जो आप देख रहे हो, है ना, शायद आपको पीछे दिख भी पा रहा होगा, ये रही, ये झूला हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ से आप लोगों को मैं कुछ सीन दिखा देता हूँ, है ना। आप लोग देखें, ये राम झूला है और यहाँ पे देखो कुछ लोग राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, देख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली यार हम लोगों के पास अभी उतना वक्त नहीं, तो मैं राफ्टिंग कर नहीं पाऊंगा। हम लोग जाएंगे अभी क्योंकि हम लोग को हरिद्वार की आरती भी देखनी है। देखो एक बार यहाँ से, तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे साथ हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं, ऊपर में गांव है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग रहा करते हैं, जैसे कि ये सब दिख रहा है ना आपको छोटा छोटा, इस जगह इंसान रहा करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं यहाँ पे जो नीचे रहते हैं वो बोलते हैं ऐसा। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें दिख रही है, ज़्यादा इंजॉय किया है। एंड जब तक मैं घर में था मुझे लग रहा था यार क्या ही होगा यहाँ पे, बट जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आई एम टोटली अमेज्ड। तो अभी अभी यार हम लोग हरिद्वार पहुँचे हैं, है ना, और अभी हम लोगों को थोड़ा घूमना है। मैं अंदर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, थोड़ा देखते हैं फिर। नदियों के बहाव को रोक दिया गया है, इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका गया है ताकि साफ सफाई हो सके। ये रही पीछे नदी यार, आप लोग यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो नीचे में, ये लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे में जो रीति रिवाज होती है, जलाया जाता है या कुछ भी किया जाता है ना, तो उसे यहाँ पे ये लोग कैच करते हैं। और बाकी सारी चीज़ों को आप देखो यहाँ पे, हम लोग नीचे जाने की कोशिश करेंगे एक बारी, और नीचे जाके फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग दर्शन कर पाते हैं पहाड़ों वाली माँ। देखो शिव जी। तो हरिद्वार में हम लोग आ चुके हैं यार, लेकिन ये पानी यहाँ पे भी बहुत उतना साफ नहीं रहता, होना चाहिए था क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना। हम लोग को गाइड कर रहे थे कुछ हमारे साथी भी है, और मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा नीचे नहीं दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, बहुत ही। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यार हरि की पूरी, यहाँ पे अभी होगी गंगा आरती, है ना, क्योंकि 6:30 बजे होती है समथिंग, है ना। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह, देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होती है काम। दिख रहा है ना, ये देखो ये माँ मनसा का मंदिर है। इसमें अगर आप जाना चाहो नीचे, जैसे हरिद्वार की यहाँ पे गंगा वगैरह बहती है, और अगर ऊपर इसमें यहाँ पे अगर आप जाना चाहोगे तो यहाँ पे लिफ्ट टाइप का चलता है, उस पर आप चाहो तो 122 रुपये देकर सिर्फ और सिर्फ जा सकते हो। और इसके ठीक अपोजिट में इधर हमारा माँ चंडी का मंदिर है, बहुत दूर है यहाँ पे, देखो ये देखो माँ चंडी का मंदिर है। इधर भी अगर आप जाना चाहो तो गवर्नमेंट रेट है, सब्सिडाइज रेट है ना। इन जगहों पे अगर आप आना चाहते हो तो मेरी मानो आप लोगों को 5-6 बजे तक इन जगहों पे पहुंच जाना है। तो ये नदी यार पहाड़ियों से आई है, आप उधर से देख सकते हो, पहाड़ियों से ये नदी आई है,
और ये फिर नीचे जाते हुए हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो ये गंगा है, अभी थोड़ी सी मटमैली है, मटमैली इसलिए है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वजह से थोड़ा पानी उतना साफ आपको नज़र नहीं आएगा। बट हाँ, मेरी सजेशन है कि जब भी आए सुबह आए यार, सुबह आने से आपको थोड़ा पानी भी साफ मिलेगा है ना, और रश भी काफ़ी कम मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। पूरा का पूरा दिन हमारा घूमने फिरने में निकल गया, सुबह से कुछ खा नहीं पाया अच्छे से। अभी हम लोग एक पंजाबी ढाबे में उतरे हैं है ना, सो लेट्स सी कैसा खाना रहता है, वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। एनीवेज चलते हैं यार है ना। सो फाइनली यार हम लोग जा रहे हैं टिपन टॉप की तरफ है ना, तो यहाँ से भी अभी 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत नीचे से ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मैं जाऊँगा ये सर्कुलर पैटर्न में ऐसे ऐसे करके लोकेशंस हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अब टिकट्स हैं है ना, तो अभी देखने वाले हैं इस पॉइंट को और ऊपर जाना है हमें अभी, और फिर देखते हैं कि वहाँ से क्या नज़ारा बन पाता है। कम ऑन गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ टिपन टॉप जो कि लेंसडाउन की सबसे ऊंची जगह है, मैं आप लोगों को वो दिखाने की अभी कोशिश करता हूँ। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हिमालयन रेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इतना ही नहीं यार काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को बादल भी देखने को मिलेंगे। और मेरी सजेशन होगी कि आप लोग यहाँ पे जब आएँ तो ये ज़रूर चेक करके आए कि यार यहाँ बारिश हो रही या नहीं हो रही, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो कोहरा की वजह से आप लोगों को चीज़ें दिख नहीं सकती है। मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बारी, और आप लोग यहाँ से देखो आप लोगों को बादल नीचे नज़र आएंगे और हम लोग बादलों के ऊपर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2000 मीटर हम लोग को ट्रैवल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को 45 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल हम लोग को आना पड़ा 45 किलोमीटर, और सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2000 मीटर एवर है सी लेवल से। और बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये प्लेस कैसा लगा, और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोगों को फोटो में या वीडियो में आप लोगों को जो टॉप दिख रहे हैं हिमालयन रेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, और ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है उसमें घर आप लोगों को दिख रही या नहीं दिख रही, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग घरवाल हाउस देखने के लिए जा रहे हैं यार, एक बात तो कहना पड़ेगा यार वर्दी में हम लोग अभी आ चुके हैं यार भुल्ला लेक, तो ये हमारा लेंसडाउन में ही आ जाता है बेसिकली, तो पीछे आप लोग देख सकते हो, और जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा तो नहीं है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट ये है इस लेक की यार इतनी ज्यादा ऊंचाई पे यहाँ पे हमारी ये बतखें तैर रही है मजे से है ना। सो ये भुल्ला ताल लेक है ये हमारा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फाइनली आज हमारी आखिरी दिन है यार, यहाँ पे हम लोग स्टे किए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ना, आप गूगल पे भी चाहो तो सर्च कर सकते हो। सो हम लोग अभी बस चेकआउट करेंगे सुमित जंगल एंड कॉटेज।